देखिए, बदलते वक्त के साथ खाने की तस्वीर भी बदल जाती है, बदलते त्योहारों के साथ भी ऐसा होता है। वैसे सिलसिला बदलते रिश्तों का में क्या हो रहा है भाई, करवा चौथ का त्योहार मना रहे हैं। आई नो देयर अ लिटिल लेट, बट कहते हैं ना अंग्रेजी में, बेटर लेट देन नेवर। नंदिनी ने भी करवा चौथ रखा है, कुणाल के संग साथ फेरे चाहे नहीं हुए हो, लेकिन उसने अपना पति कुणाल को ही माना है। नंदिनी को शायद ये यकीन नहीं था कि आज कुणाल आएगा, लेकिन कुणाल ने भी इस पूजा के लिए नंदिनी का साथ दिया है। वैसे अब जब मौली प्रेग्नेंट नहीं है तो कुणाल को नंदिनी के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। कि अभी मुझे ऑब्वियसली नंदिनी के पास ही आना है, मैं आ ही रहा था बच्चे के लिए, जब बच्चा ही नहीं है, यू नॉट प्रेग्नेंट, देन वाई शुड आई कम। सो दैट्स व्हाई ही इज बैक टू नंदिनी एंड ही वांट्स टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। आप लोग हमें बताइए, सबसे ज्यादा तो आपको पता होता है ऑफर की खबरें आई थी, फिर ऐसा पता चला कि लीव होने वाला, ऑफर नहीं जा रहा है शो, तो हम जानना चाहते हैं एक्टर्स से कि क्या। सो वी हैव एब्सोल्युटली नो आईडिया अबाउट दिस, वी आर टोटली वर्किंग इन फुल स्विंग। So I guess these are all rumors, guys. So please be least assured, हम कहीं नहीं जा रहे। और दूसरी चीज़, अगर जा भी रहे तो चले जाएंगे। मतलब अभी ये फिर हम सब हमारे ट्रैवलिंग पिक्चर्स आपको भेजेंगे। या नहीं, क्या होता है ना, जैसे कभी कोई शो ऑफर जा भी रहा होता है ना, तो उससे सिर्फ एक हफ्ते का ही नोटिस मिलता है। तो अगर जा रहा होगा तो एक हफ्ता पहले आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। रिश्तों की इस कश्मकश से नंदिनी और कुणाल कब निकलेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल दोनों को साथ देखकर तो यही लगता है कि इनका ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।